नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलपी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, आसनसोल के शीतला में सूरज बहादुर नामक एक युवक का शव पाया गया था, जिसे लेकर शहर में काफ़ी तनाव भी हुआ था और पुलिस प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। पुलिस के इस कदम से शहर को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। तो आपको बताते चले कि आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के दबाव से पुलिस ने बहुत जल्दी सूरज के हथियारों को ढूंढ निकाला है और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। मेयर जितेंद्र तिवारी की इस पहल पर शहर के लोगों ने उन्हें काफ़ी उनके कार्य को सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया। पहलू है, एक पहलू ये है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ के पुलिस पकड़ के उनको सजा की व्यवस्था करे, एक ये पहलू। और दूसरा पहलू है कि जो क्योंकि वही कमाने वाला सदस्य था वो चला गया, तो ये जो बाकी परिवार में लोग हैं इनका भरण पोषण कैसे, उसकी कुछ व्यवस्था की जाए। दोनों बिंदुओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से हम लोग बात की है और उन्होंने कहा है कि बहुत हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं कि जिन्होंने ये घटना घटाई उनका करीब करीब उसके करीब वो लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन वो लोग हड़बड़ी, हम लोग भी हड़बड़ी नहीं चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि सही आदमी, सही जो दोषी है वो अरेस्ट हो और उसकी सज़ा की व्यवस्था की जाए। तो पुलिस ने आश्वस्त किया कि वो काम वो जरूर करेंगे, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक इस परिवार को बचाने का सवाल है तो हम सारे लोग, आसनसोल के सारे प्रबुद्ध लोग एक साथ बैठकर इस परिवार को कैसे बचाया जाए। वो जो कमाने वाला सदस्य चला गया, उसके बाद परिवार में अन्य जो हैं दो बहनें हैं उसकी, उनकी माता जी हैं, ये परिवार पहले जिस तरह इसका रोजी रोटी चलता था वो भी चलता रहे, इसके बारे में हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे जिससे कि इस परिवार को बचाया जा सके। एक नंबर हलो जे যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে শাস্তির ব্যবস্থা করে, এটা একটা চ্যাপ্টার। আর সেকেন্ড চ্যাপ্টার হলো যে যেহেতু ওই আর্নিং মেম্বার ছিল, ও চলে গেল, এবার পরিবারটা কী করে বাঁচবে, এই একটা চ্যাপ্টার। দুটো দিকে আমরা দেখবো। আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথা বলেছি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা বলেছি আপনাদেরকে রিজনেবল টাইম আমরা দিচ্ছি, আপনাদের যা যা প্রফেশনাল স্কিল আছে সেই প্রফেশনাল স্কিল কাজে লাগিয়ে আসল দোষী যারা তাদেরকে অ্যারেস্ট করে সাজার ব্যবস্থা করবে। সেটা আমাদেরকে পুলিশ আশ্বস্ত করেছে যে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা অনেক দূর পৌঁছে গেছে। মোটামুটি তারা কারা এর সঙ্গে যুক্ত একটা পুলিশ অনুমান করেছে এবং তাদেরকে ট্র্যাক করতেও পুলিশ শুরু করেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে খুব তাড়াতাড়ি তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে। তো একটা তাদেরকে অ্যারেস্ট করা, তাদের সাজার ব্যবস্থা করা, এটা একটা দিক দেখতে হবে, এটা পুলিশ আশ্বস্ত করেছে তারা এটা করবে। আর দ্বিতীয়টা হলো যেহেতু ও আর্নিং মেম্বার ছিল, ও চলে গেল, ওই পরিবারটা কী করে বাঁচবে সেটা দেখে নেবার, তো সেটা আমরা সাময়িকভাবে আমি আছি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক আছেন আর আরও সবাই মিলে আমরা বসে দেখে নেব যে কী করে এই পরিবারটাকে বাঁচানো যায়, সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব।